गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के बजे हैं 10। मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ क्योंकि आज मैं और मेरे फ्रेंड्स जो जिम के मेरे अगेन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग फॉर अ स्मॉल ट्रैक। आई डोंट नो वो ट्रैक पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज आज वेदर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है बाहर। तो हम लोग जाएंगे, जगह का नाम है धुप्पी डाँडा। धुप्पी इन नेपाली में जो जूनिपर ट्री होते हैं उसको बोलते हैं, और डाँडा इज़ लाइक अ स्मॉल माउंटेन, जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ऑसम सा प्लेस है ये, मैंने एक्चुअली रील्स में देखा और मैंने जो मेरे जिम के सर हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह है, यहाँ पे इज डू एग्जिस्ट। सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि चलो चलते हैं एंड आई एम गोना एक्सपीरियंस दैट। और मुझे लगा मुझे आप लोग से के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी सिलीगुड़ी आते हैं ना, उन लोगों को लगता है कि सिर्फ दार्जिलिंग ही ऐसी जगह जहां पर हम घूम सकते हैं, बट ये धारणा गलत है। यहाँ पे दे आर प्लेसेस लाइक कैलिंगपोंग, यू कैन गो टू कैलिंगपोंग, यू कैन गो टू दार्जिलिंग, यू कैन गो टू मिरिक, और ऑफकोर्स सिक्किम इज अ नेबरिंग स्टेट, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। प्लस यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर भी है, सो इफ यू वांट टू विजिट द कंट्री यू कैन गो, बट या कोविड रिस्ट्रिक्शंस को प्लीज ध्यान में रखते हुए। सो आई एम रेडी, अभी मैं 10:30 को निकलूंगी यहाँ से एंड आई एम गोना शूट दी एंटायर व्लॉग जो मैंने डिसाइड किया है, और अगर ट्रैकिंग हो सके तो सही है, नहीं हुई तो आई एम जस्ट गोना बी देयर एंड एक्सपीरियंस कि वहाँ पर क्या है। आज वेदर भी अमेजिंग है, थोड़ी बारिश हुई थी तो धूप बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस स्टे ट्यून एंड फॉर तो हम लड़कियों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी फंस गई और हम लोग इतना डर गए, हम लोग इतना डर गए कि पूरा, सो वी आर लाइक वेरी स्कैर्ड। तो हम लोग डिसाइडेड टू गो पैदल, गाड़ी फिर से फंस गई हमारी वहाँ पे और हम लोगों को फिर से उतरना पड़ा है। बट लाइक टू चेक द व्यू थोड़ा सा, हम लोग को पहुंचना है बहुत ऊपर अभी, आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, बिकॉज बारिश के कारण रास्ता गीला हो गया है, रास्ता गीला है और टायर क्या हो रहे हैं, टायर स्लिप कर रहा है, स्किट कर रहा है, वही किना ना अट्टे को वही स्किट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग को डर लग रहा है कहीं हम। सो गाइस इट हैज स्टार्टेड रेनिंग और हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी में डर लग रहा है, रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो ड्राइवर एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं लग रहा मुझे, मजा आ रहा है। सो यहाँ पर और एक ब्लॉगर है, ब्लॉगर मैं व्हाट्सएप ब्लॉगर हूँ, सुन लीजिए व्हाट्सएप ब्लॉगर हूँ मैं, फेसबुक व्हाट्सएप अरे यूट्यूब का नहीं हूँ फिर ओके, बट व्यूज आर ऑसम, सांसे फूल रही है बट कोई निकाड़ी हो रहा है। खाने के लिए रुके हैं, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, बिस्किट मांगो वहाँ से, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि
कि हम लोगों को जाना कहाँ है। वो जो पेड़ दिख रहा है, पेड़ वहाँ जाना है हम लोगों को। आई एम सो एक्साइटेड। और पीछे नज़ारा देखिए, पूरा फॉग फॉग हो रहा है, लेकिन हम लोग पिछले 1.5 घंटे से रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और अभी फिर से गाड़ी में बैठ के थोड़ा आगे आए हैं। और दैट इज़ द प्लेस जहाँ हमें जाना है। स्टे ट्यून। थके हुए चेहरे तो है, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी है, फुल एक्साइटमेंट। सो जस्ट स्टे ट्यून। हम लोग फाइनली आ चुके हैं धुप्पी डाड़ा। कहाँ गया? वो रहा, हाँ। जो पेड़ दिख रहा है आपको, मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। अभी हम लोग को चढ़ना है, यहाँ से वहाँ जाना है इस पेड़ पे। ये दिखा दो यहां तो से, यहां से दिखा दो। मैं दिखाती हूँ रास्ता है हम लोग का। अब ये और वो जाना है सांप की तरह। तो फिर ऊपर ही जाके मिलते हैं, मतलब ऊपर। तो आधी चढ़ाई कर चुके हैं, अब और चढ़ना है ऊपर। थक तो बहुत गए हैं, लेकिन पहुंचना है। मैं रास्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। लेट मी टर्न द कैमरा। सी जद्दोजहद, जान में खेल के हम लोग पहुंच गए धुप्पी डाड़ा। और गाइस लुक एट द व्यू, किलिंग। सांस फूल गई है, भूख लग रही है गजब। और आके इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है एसी वाली हवा, नेचर। ओह गॉड, आई थिंक आई एम गोना स्पेंड सम टाइम हियर विद माय फ्रेंड्स। और थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करके फिर जाएंगे घर। काफ़ी देर हो गई, वैसे हम लोग 1.5 घंटे से चल रहे हैं। और ये जो था लास्ट वाला चढ़ा, तो फिर पीछे हम लोग और चल के आए हैं यहाँ से दिस प्लेस। और अब हम खाएंगे थोड़ा सा झालमुरी, ठंडा पानी, और फिर थोड़ी देर बैठेंगे और जाएंगे। व्यूज़ ना, इतनी प्यारी व्यूज़ है ना यहाँ पे। फ़ोटोज़ खींचो, रील्स बनाओ, ब्लॉग करो, और बिल्कुल अनटच प्लेसेस है। पीछे ऑलरेडी फॉग आ चुके हैं, और मैं थोड़ा सा अभी रील्स बनाऊंगी, फ़ोटोज़ खींचूंगी, कुछ खाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह खाया नहीं उन लोगों ने। और फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। फिर हम थोड़े दूसरे रास्ते से जाएंगे, वो प्लान है हमारा। तो अभी के लिए इतना ही है। थोड़े थोड़े बीच में अगर व्यूज़ आते रहे तो मैं कैप्चर करूँगी। बट ये मेहनत, ये पसीना और ये सारी चीज़ों को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक तो बनता है यार। बहुत 1.5 घंटे से हम लोग पहाड़ में चढ़ रहे हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। मुझे ट्रैकिंग का शौक है, लेकिन मेरी आज पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। कुछ खा लेती हूँ मैं, और बीच में थोड़ा थोड़ा व्लॉग कर लूँगी मैं। चलो गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय द व्यू। भारी मन के साथ अब हम लोग कर रहे हैं बाय बाय।
धुप्पी डाड़ा को क्या टाइम हुआ है अभी? 4:10। 4:10 है, यहाँ से घर भी जाना है और चीटियों ने भी काट दिया थोड़ा सा, लेकिन जगह बहुत मस्त है। दिस वन टाइम विजिट वैसे तो, बट क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो गया आने में, अगर जो लोग नहीं चल पाते हैं ज़्यादा उनके लिए दिक्कत होगी आने में, बट आइए सिलीगुड़ी में ये जगह है। सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं है घूमने के लिए, मेरिक साइड से आप आ सकते हो, इसके दो रास्ते हैं मैं आप लोग को बता दूँगी, और थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। थोड़े अबैंडन जगह है, लोग ज़्यादा नहीं हैं, मुझे बात करते करते थोड़ी केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश के कारण बहुत स्लिपरी है। सो इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं। बाय बोल दो सोनाक्षी। मैं और सोनाक्षी बहुत चले आज, बहुत ज़्यादा। बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आई एम समवन को। बाय।